फ्यूचर टॉक होता क्या है? फ्यूचर टॉक एक चटनी है, जैसे हम लोग भात में खाते हैं चटनी, उसी तरह का एक है। मिशन समाचार कोई उतना जोशीला ढंग से, संजीवनी ढंग से, मैंने लाइवली हो सकता है प्रेजेंट नहीं कर सकता है, पेश नहीं कर सकता है। सबका हम लोगों का अपना अपना अलग अलग चरित्र है, अपना अपना गुण है। तो उस बोरियत को, बोरिंग को, मतलब थोड़ा निराश को दूर करने के लिए फ्यूचर टॉक ऐसा है कि उसमें निरस, मतलब क्या कहते हैं, रस लाता है। तो आज हम आप लोगों को डेड सी, यानी हिंदी में उसको बाइबल में कहता है खारे ताल। और जैसे आप बाइबल में पढ़ेंगे उत्पत्ति 14:3 में पाएंगे, वहाँ खारे ताल के हिसाब से कहा गया है। गिनती 34:3-12 में भी खारे ताल, खारे ताल मतलब नमकीन, खरा, खरा ताल मतलब तालाब, तो इस तरह से कहा गया है। व्यवस्था विवरण 3:17 डेट्रोनमी 3:17 में कहता है अरावे का ताल या खारा ताल, ये दिया हुआ है। तो मैं आज आप लोगों को यही खारा ताल के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके बाद इसको इजेकेल 47:18 में इसको पूर्वी ताल कहा गया है। जोवेल 2:20 में कहता है पूरब के ताल, अनेक इसका जिक्र है बाइबल में। यह खारा ताल को पानी कहाँ से मिलता है? यरदन नदी, यरदन नदी से आता है, गलील झील, गलील झील से आता है यह खारा ताल डेड सी में। आप लोग नक्शा देख सकते हैं, बाइबल के अंत में नक्शा दिया हुआ है, उसमें उस तरह का ये है। और उसमें जब बह के जाता है तो वहाँ से पानी निकलता नहीं है, निकासी नहीं है। खारे ताल डेड सी का से पानी निकलता नहीं है, उसी में रहता है। और कुछ तो भाप के द्वारा ऊपर जाता है और कुछ बस उसी से वहीं सूख जाता है। तो यह खारे ताल करीब 75 किलोमीटर लंबा है, 47 मील, और इसका चौड़ाई है 16 किलोमीटर और इसकी गहराई है 405 मीटर। इसका उत्तरी छोर में और दक्षिणी छोर में इसका 200 मीटर है गहरा। अगर यहाँ बहुत से लोग जाते हैं क्या कहते हैं पवित्र भूमि, होली लैंड विजिट करने के लिए, हम लोग सभी यहाँ सौभाग्य था, मिसिस हीरामणि सिंह और मिस्टर सिंह उनके पति देव दोनों को जाने का, लेकिन किसी कारणवश मिसिस सिंह जा न सकी। और मिस्टर सिंह अगर लौट के आते तो देख आँखों देखा हुआ हाल उस भूमि का, पवित्र भूमि का संवाद हम लोगों को जानकारी देते। खैर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, होता है। तो इस तरह का ये है। अच्छा, यह हाँ हमने कहा यरदन नदी से निकलता है और वहाँ कोई मछली या प्राणी नहीं है, लेकिन हाँ है, मछली थोड़ा बहुत है। यरदन नदी से जहाँ आता है ना उसके मुहाने में, उस समय पानी क्या कहते हैं उसको फीका पड़ जाता है, खरा नमकीन थोड़ा कम हो जाता है। और वहाँ मुहाने पर, यरदन नदी के मुहाने पर कुछ लोग कुछ मछलियाँ वहाँ पाई जाती हैं। तो ये है हम लोगों का जानकारी इसका खारे ताल का, डेड सी का। हम लोग जान नहीं सकते हैं लेकिन कुछ जानकारी, इसलिए हमने सोचा कि हम आप लोगों को दें।